नमस्कार मित्रों, आज एनडीटी मस्ती टीम से जुड़े हैं डॉक्टर संजय कुमार द्विवेदी सर। एनडीटी मस्ती मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी मैंने देखा है आपने फेसबुक पेज पे एक सहजन के बारे में पोस्ट किया है, सर इस विषय में सर थोड़ा प्रकाश डालें। जैसा हम सब जानते हैं, सहजन एक बहुत इंडिया का एक बहुत इंडिजिनस प्लांट है और सदियों से उगता आया है, और इसकी खासियत यह है कि बहुत आसानी से उगा सकते हैं, और इसमें उगाने के लिए पानी बहुत कम चाहिए, इसको धूप चाहिए, गर्म जलवायु चाहिए और पानी की आवश्यकता कम है। लेकिन हाल के दिनों में जो शोध हुआ है वो बहुत चौंकाने वाले और बहुत अच्छे परिणाम आए हैं, जिसका लाभ हम सबको लेना चाहिए। हमारे देश में खाद्य की समस्या तो नहीं है, लेकिन कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर पे जो माताएं हैं या बच्चे हैं या गरीब और गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको में पोषण नहीं मिल पाता, विटामिन्स नहीं मिल पाता, मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं। और सहजन की जो पत्तियां हैं वो बहुत ही न्यूट्रिएंट से भरपूर हैं, और ये इसका अगर उपयोग किया जाए तो ये हर तरीके की बीमारी को भी दूर करता है। कैंसर जैसी बीमारी है, लीवर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उन सब को दूर करता है। कैल्शियम होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो इस पत्तियों में हो रहा है। और दक्षिण भारत के बहुत सारे किसान इसको उगाकर और इसको बेच रहे हैं, और इसकी पत्तियां सुखा के और अच्छे ढंग से पैक होके अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और इन जगहों पे जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि इसीलिए मैंने ये जानकारी दी है कि हमारे देश के ग्रामीण जनता के लोग उगाएं, और इवन शहरों के लोग इनको गमले में और अपने घर के आसपास उगाकर उनकी पत्तियों का, फूलों का और फलों का सेवन कर सकते हैं। तो ये कुपोषण के लिए बहुत ही अद्भुत पौधा है और बहुत ही बेमिसाल पौधा है, इसके बहुत अच्छे गुण हैं, तो इसका भरपूर लाभ हमको लेना चाहिए। सर आपने जो जानकारी दी है हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और किसान भाई और हम सभी मिलकर इस जानकारी का सदुपयोग करेंगे। सर जो एनडीटी मस्ती टीम जो कार्य कर रही है, सर आपके इस पे क्या विचार है, मैं आपके विचार जानना चाहूंगा सर। शिव, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, और एनडीटी मस्ती के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक नायाब सोच है, ये एक इनोवेटिव अप्रोच है और एक बहुत उत्कृष्ट माध्यम है जनमानस तक पहुंचने का। और लॉकडाउन में ये काम शुरू हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में भी हम वर्चुअल माध्यम से ज्यादा जुड़े रहेंगे, और इसका व्यापक अप्रोच है, ये गांव-गांव तक और हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है। और जो विज्ञान की बातें हैं, रोजगार की बातें हैं, जो समस्याएं हैं, या कुपोषण की समस्या है, या बेरोजगारी की समस्या है, या कैरियर डेवलपमेंट की बात है, किसानों के हित की बात है, स्वास्थ्य और लोक मनोरंजन की बात है, हर तरीके से आपका ये जो प्लेटफॉर्म है ये काम कर रहा है, और इसको और आगे व्यापक काम करना चाहिए और लोगों को बहुत आसानी से बहुत अच्छी जानकारी और विशेषज्ञों की जानकारी सीधे उपलब्ध करा रहा है और उपलब्ध कराता रहेगा। तो मैं इसको दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, और उसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और इतने अच्छे उच्च कोटि के शब्दों के साथ एनडीटी मस्ती की टीम की जो तारीफ की, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।